हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियो में दिखाऊंगी कि आप साटिन की साड़ी को किस तरीके से डिफरेंट स्टाइल से वियर कर सकते हैं। इस साड़ी को मैंने ऑनलाइन मीशो से ऑर्डर किया था। इसका फैब्रिक भी ठीक है, काफ़ी अच्छा है, पहनने लायक के फ्लोरल में है और इसकी जो प्राइस है वो 561 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अगर आपको ये साड़ी अच्छी लगती है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर ऑर्डर कर सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। वे जिस तरीके से हम नॉर्मल साड़ी को टक करते हैं उसी तरीके से आपको इस साड़ी को टक करना है। इस तरीके से आपको टक करना है और हम पल्ला सेट करेंगे। ये साटन की साड़ी है, इसका फैब्रिक काफी अच्छा है और मुझे ये साड़ी काफी अच्छी लगी, फ्लोरल टाइप की है। अब हम यहाँ पे पिनअप कर देंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस तरीके से साड़ी को वियर कर सकते हैं। और इसे आपको बैक से ले जाकर इस तरीके से फ्रंट में लाना है। और प्लेटें सेट करेंगे। और इन्हें आपको इस तरीके से अंदर टक कर देना है। सो गाइस, इस तरीके से अगर आप साड़ी पहनेंगी तो आप बहुत ही यूनिक लगेंगी। इस तरीके से आप साड़ी पहनिए और इस तरीके से आप साड़ी का पल्ला सेट कीजिए। अगर आप नॉर्मल तरीके से पल्ला सेट करते करते बोर हो गई हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हैं, तो इस तरीके से आप ट्राई कीजिए। यह स्टाइल बहुत ही यूनिक लगता है। अभी इस टाइप के पल्ले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सो गाइज, इस तरीके से ये सारी ड्रेपिंग बनके रेडी होगी। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।